हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोयम नंबर 3, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक बहुत कम उम्र में ही बहुत प्रसिद्धि पाने वाले कवि हैं। केवल 25 साल तक की उम्र तक वो इस पृथ्वी पर जिंदा रहे, लेकिन उन 25 सालों में इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो इन्हें शेक्सपियर के बराबर खड़ा करती हैं। उनके द्वारा लिखी गई ये पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत सुंदर पोयम है। आइए हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई सुंदर वस्तु। सुंदर वस्तु चाहे गीत, चाहे कोई इमारत, चाहे कोई स्मारक, कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है। वो कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो सुंदरता है वो सदैव बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी समाप्त नहीं होती। हम जितना भी इसे देखते हैं सुंदर वस्तुओं को, हमें उतना ही आनंददायक, उतनी ही प्यारी वो प्रतीत होती हैं। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। कवि कहता है कि सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो हमेशा आनंद प्रदान करती हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि हमें एक ऐसा आनंददायी, फूलों से भरा हुआ एक ऐसा स्थान प्रदान करती हैं, छायादार स्थान प्रदान करती हैं, जहां हमें मधुर नींद, हमें बढ़िया स्वास्थ्य और शांत सांसें, बढ़िया नींद प्रदान करेंगी, ताकि हम अच्छी तरह से शांतिपूर्वक से सो सकें। तो सुंदर वस्तुएं इस प्रकार का आनंद हमें प्रदान करती हैं। देयरफोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मींस मॉर्निंग, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इस सेकंड पैराग्राफ में कवि जॉन कीट्स बताते हैं कि सुंदर वस्तुएं हमेशा आनंददायी होती हैं, इसलिए हर सुबह हम इस सुंदर पृथ्वी से अपना बंधन मजबूत करते हैं और एक फ्लावरी बैंड, फूलों का एक बंधन बांधते हैं अपने आप को इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए। वो कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, सभी मायूसियों के बावजूद, चाहे कितनी ही निराशा क्यों ना हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, चाहे संसार में कितने ही भले लोगों की कमी क्यों ना हो जाए, अच्छे कार्यों की, गुणों की, चाहे कितने ही परेशानियां, कितनी ही दिक्कतें, कितनी ही मायूसियां क्यों ना आ जाएं, ऑफ ऑल अनहेल्दी, चाहे स्वास्थ्य कितना ही खराब क्यों ना हो और संसार में हमारे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, इन सब के बावजूद सुंदरता का कोई ना कोई रूप हमारे मन से इस अंधकार की भावना को, इस मायूसी की भावना को दूर कर देता है। अर्थात सुंदर वस्तुएं आपको हर विपरीत परिस्थितियों से निकालने में मदद करती हैं। चाहे हम किसी भी कठिनाई में घिरे हुए हों, कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में सुंदरता हमारे उस मायूसी को दूर कर देती है। थर्ड स्टेंजा में कवि जॉन कीट्स हमें बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें संसार में सुंदर हैं। वो कहते हैं सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, एंड सच आर डेफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीजें सुंदर हैं, जैसे कि द सन, ये सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी बड़े बहुत पुराने पुराने पेड़ और नए नए पेड़, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ऐसे छोटे छोटे पेड़ भी जो शीप, भेड़ों को भी छाया प्रदान कर सकते हैं, एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक बहुत सुंदर फूल होता है, विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और हरे हरे रंग की पत्तियों के बीच में ये सुंदर फूल होता है डेफोडिल्स का, एंड क्लियर रिल्स,
रिल्स यानी स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी धाराएं जो पहाड़ों में छिपकर बहती हैं, ये सब चीजें बहुत सुंदर हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, ये जो पानी की धाराएं पहाड़ों में छिप छिप कर पत्थरों के नीचे से बहती हैं, ये अपने लिए एक शानदार, एक छायादार, एक शीतलता प्रदान करने वाला स्थान बना लेती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम में भी, बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है उस मौसम में भी ये पहाड़ी धाराएं जो होती हैं ये अपने लिए एक शानदार, एक स्वच्छ, एक ठंडा स्थान अपने लिए ढूंढ लेती हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल में उगने वाली छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फेयर मस्क रोज एक गुलाब है जो बहुत सुगंधित होता है, फूल है। तो इस प्रकार से कवि बताता है कि ये सारी चीजें जिसमें चांद है, सूरज है और पेड़ हैं, नए पुराने पेड़ हैं और मस्क रोज है, ये सब सुंदरता के प्रतीक हैं, ये सब हमें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं। कवि जॉन किट्स कहते हैं कि प्रकृति में जो चीजें पाई जाती हैं, जो सुंदर वस्तुएं हैं, केवल वो ही आनंद प्रदान करने वाली नहीं है। वो कहते हैं सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स का मतलब जो मृत हो चुके हैं, ऐसे लोग जो मृत हो चुके हैं उनकी मौत भी हमें अति सुंदरता प्रदान करती है, ऐसे व्यक्ति जो अमर हैं। आप कह सकते हैं जैसे झांसी की रानी, सरदार भगत सिंह, इन दोनों की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। ये सरदार भगत सिंह केवल 23 साल की उम्र में ही देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अमर हो गई। तो इन लोगों की जो मौत है वो भी कोई साधारण मृत्यु नहीं है, वो भी एक प्रेरणा प्रदान करने वाली मौत है, जिससे लोग जो सदैव सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। इनके बारे में हमने पढ़ा है, कल्पनाएं की हैं, शानदार कथाएं जो इनके बारे में कही जाती हैं, ये सब प्रेरणा देने वाली वस्तुएं हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कवि कहता है इस अंतिम पंक्तियों में कि ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे शानदार लोगों की मौत हो जिनसे कि हम प्रेरणा पाते हैं, ये सुंदरता का एक अमृत है जो कि आकाश से, स्वर्ग से ईश्वर नीचे की ओर उड़ेल रहा है। ये वो प्रवाह है जो स्वर्ग या आकाश के किनारे से बह रहा है, और ये सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार की सुंदर वस्तुएं सदैव आनंदित करती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम यही समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी सारी पोयम्स भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, आप उनसे देख करके अपना कोर्स सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं।